तो ST30 में एक और सरप्राइज आपको मिलने वाला है। रिवर साइड में पहले 100 आती थी जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो गई है। Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope बहुत बढ़िया होंगे। पहले तो मेरे सभी सब्सक्राइबर को सॉरी बिकॉज़ काफ़ी टाइम से बोल रहे थे जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था कि बिटवीन साइकिल्स पर वीडियो लेकर आओ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और अभी इंदौर में केसेस बहुत हो रहे हैं तो स्टोर में मास्क पहनना कंपलसरी है, तो पहले पहन लेते हैं। सो आज हमारे साथ फिर से ज्वाइन हो रहे कृष्णा भैया। मतलब मेनली क्या था, मैं तो आ जाता था, कृष्णा भैया को भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट आज हम देखो बहुत से कंटेंट ऐसे बोल रहे थे कि ST100 पर वीडियो लेकर आओ, ST100 वर्सेस 120, बहुत से कंटेंट आ रहे थे। बट आज हम 2022 बिटवीन साइकिल सारी रेंज कवर करने वाले हैं, गियर नॉन गियर एंड 5 to 10 किलोमीटर्स का जिसका पर्पज़ है, ओवरऑल सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाले हैं। सो चैनल पर कोई भी नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम सारी 2022 की साइकिल्स कवर करने वाले हैं, बेसिक रेंज ST10 से लेकर जो टॉप रेंज है सारी कवर करने वाले हैं। क्या कुछ 2022 में नई कलर स्कीम्स आई है सब डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ST10 से। तो एक बार ओवरव्यू दे देना कि ये किन बायर्स के लिए। ओके, सो बेसिकली ये आपने देखा होगा कि पहले ST10 की बजाय माई बाइक आया करती थी जो कि फर्स्ट प्राइस था डिकैथलॉन का बाइक 599 का। सो उसकी जगह वो डिसकंटिन्यू होके आपको अभी ST10 मिलता है जो कि नया माई बाइक है। सो आपको ये ब्लैक कलर में मिलेगा एंड पुराने माई बाइक से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसकी जो ट्यूब्स हैं, टॉप ट्यूब, बॉटम ट्यूब एंड सीट स्टे ट्यूब, ये सारे आपको नैरो पतली ट्यूब्स में मिलती हैं। सो ओवरऑल अगर आप चेंजेस देखेंगे तो इसमें कलर अलग है एंड इसका ओवरऑल वजन कम हो जाता है। प्रीवियस मॉडल से ये चेंजेस हैं, मतलब वन एंड ओनली ब्लैक कलर में ही आती है। तो जैसे माई बाइक व्हाइट कलर में आती थी, ऐसे ब्लैक कलर में आती है, और एक तरीके से माई बाइक को हटा अब सारी रॉक राइडर रेंज ही मिलने वाली है। यस, सो अभी बेसिकली अगर लीजर बाइक में देखेंगे तो सारी आपको रॉक राइडर ST सेगमेंट्स की ही बाइक्स मिलेंगी। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट बाइसाइकिल, ये हमारी ST20 जो कि दो फ्रेम्स में आती है, हाई फ्रेम एंड लो फ्रेम। लो फ्रेम बेसिकली लेडीज़ के लिए डिज़ाइन करी गई है, 3 साइजेस में अवेलेबल है एंड इसकी प्राइस रहने वाली अराउंड 7500 रुपीज़। सो LF को तो स्किप करते हैं, चलते हैं हाई फ्रेम की ओर। तो बेसिकली ये दो कलर में पहले आती थी, रेड एंड ब्लू, बट अब ब्लू को डिसकंटिन्यू करके नया कलर शेड इसमें आ गया है ग्रे, जो कि बहुत ही अपीलिंग लग रहा है। सब देखो ST20 से अब नेक्स्ट जाएंगे ST30। तो मैं कृष्णा भैया को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, आप बताना कौन सा बढ़िया ऑप्शन रहने वाला। सो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने ST20 लो फ्रेम एंड ST20 हाई फ्रेम में दो कलर्स नए देखे होंगे, जैसे एक ब्लू कलर आ गया LF में, HF में जो सिराज ने बताया अभी आपको ये ग्रे कलर। सो बेसिकली इसके पहले ग्रे की बजाय इसमें HF में हाई फ्रेम में ब्लू आता था, डार्क ब्लू, एंड अगर लो फ्रेम की बात करें तो लो फ्रेम में ब्लू, नया जो ब्लू कलर है लाइट ब्लू, इसकी जगह ब्लैक कलर आता था जो कि दिवाली एडिशन था। तो अभी आप अगर ST20 में लो फ्रेम में बात करें तो LF का नया ब्लू कलर है और HF का ग्रे कलर मिलेगा आपको। तो ये आपको अगर ओवरऑल बात करें तो ST20 में 4 कलर्स मिल जाते हैं। एंड देन अब आ जाते हैं ST30 में। सो ST30 में एक और सरप्राइज आपको मिलने वाला है। अभी तो फिलहाल ब्लू, ऑरेंज एंड एक ये कलर आता है आपको, दो ही ऑफर में है, लेकिन अगर आप 4 से 5 महीने बाद अगर आप देखते हैं तो दो और नए कलर्स आने वाले हैं। देन अभी अगर बात करें इससे जस्ट अपर मॉडल, सो एल्यूमिनियम बॉडी में आ जाता है ST50। ऑलरेडी हमने इसका रिव्यूज बनाया हुआ है, सो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, बट इसमें एक स्पेशल ऑफर है जो अभी आपको शिवराज बताएगा। ST30 पर तो डिटेल रिव्यू हम कवर कर चुके हैं कृष्णा भैया के साथ, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो ST50 का जैसा कि इन्होंने बताया, पहले इसकी प्राइस आती थी अराउंड 16,000 रुपीज़, बट अब आपको सीधे 13,000 रुपीज़ में मिल जाती है, विदाउट एसेसरीज में प्राइस बता रहा हूँ, तो सीधे 3,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। मतलब जो पहले 16,000 जिससे ज़्यादा लगते थे ST50 के लिए, बट अब वो 13,000 में साइकिल खरीद के उतने पैसे की एसेसरीज़ लगा सकता है, कंप्लीट एसेसरीज अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपये में आ जाएगी। तो जिसे एक MTB चाहिए, जिसे फ्रंट में सस्पेंशन चाहिए, मतलब ST100 की बात नहीं कर रहा हूँ, कम बजट में एक MTB चाहिए डिकैथलॉन की, तो 13,000 रुपीज़ में ST50 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट साइकिल की ओर, वो आती है ST100। एक और बात, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये ऑफर सिर्फ इंदौर स्टोर के लिए नहीं है, आप किसी भी नियरेस्ट स्टोर पे, डिकैथलॉन स्टोर पे आप विजिट कर सकते हैं। एंड फिलहाल अभी इसका स्टॉक आपको किसी भी स्टोर में इजीली मिल जाएगा। ST50 इनमें 3 साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ST100 पर आने के पहले कृष्णा भैया व्यूअर्स को ये बता देना कि जैसे कि हमने ST10 से स्टार्ट करी, तो किन व्यूअर्स के लिए मतलब साइकिल रहने वाली, जिसकी कितनी 5 to 10 किलोमीटर रनिंग है, जिसकी थोड़ी ऑफ रोडिंग भी जैसे जाना पड़ता है, तो किस पर्पज़ के लिए कौन सी साइकिल बेस्ट रहने वाली।
अभी बेसिकली अगर देखें तो ST10 एंड ST20 ऐसे मॉडल्स हैं जिसको आप सिटी के अंदर एज अ कम्यूट यूज़ करना चाहते हैं, नॉर्मल वर्कआउट के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये दो बेस्ट मॉडल हैं। अब इससे ऊपर अगर आपको लगता है कि फिटनेस के लिए आपको थोड़ा सा और वर्कआउट करने की ज़रूरत है या थोड़ा लंबा कम्यूट है आपका, तो ST30 एंड ST50 भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ST50 में आपको डिफरेंस ये मिल जाता है कि आपको एल्यूमिनियम बॉडी प्लस सस्पेंशन मिल जाता है उसमें। तो इन दोनों में से बेसिकली अभी अगर देखें, क्योंकि उसमें ऑफर भी है, सो 13,000 में एंड 10,000 में स्टील बॉडी आ रहा है, 13,000 में आपको एल्यूमिनियम बॉडी विद सस्पेंशन आ रहा है, तो ST50 जो रहेगा वो बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए फिलहाल, जब तक ST50 का नया कलर्स नहीं आ जाता, क्योंकि जब भी ST50 का नया कलर आएगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जिसे मतलब थोड़ी ऑफ रोडिंग भी करनी है तो ST30 से ST50 पे जाना ज्यादा बेटर रहेगा कि ड्यूरेबल है ना ज्यादा? ना ज्यादा प्रॉपर, अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो एक तरह से नहीं कह सकते, उसके लिए फिर आपको ST100 या ST120 लेना चाहिए। ST50 जो है उसमें व्हील्स 26 इंच है, प्लस में आपको सिंगल लेयर रिम आएगा, तो ऑफ रोडिंग में अगर आप कम से कम यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। ऑफ रोडिंग के लिए ST120 एंड ST100 अगर लेते हैं तो ये सही ऑप्शन रहेगा। जो भी चैनल पर नया है इस वीडियो में तो उन्हें मॉडल्स के बारे में कन्फ्यूजन हो रहा होता, अभी आपको मॉडल्स के साथ प्राइस दिख रही होगी स्क्रीन पर, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट साइकिल की ओर। तो अब मेन आती है ST100 एंड उसी की कंपटीटर एक तरीके से बोल सकते हैं ST120। बहुत से कमेंट मुझे आ रहे थे कि यार इन दोनों साइकिल में से कौन सी बेस्ट साइकिल है, तो उस पर डिफरेंस वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे, बट आज भैया आपको शॉर्ट में तो बता ही देंगे कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है। तो ST100 और 120 में क्या डिफरेंस रहने वाला है और क्या प्राइजेस है? ST100 की अगर बात करें तो इसमें दो कलर वेरिएंट आते हैं और इसमें आपको प्राइस इसका विदाउट एसेसरीज है 18,000 रुपीज़ एंड 120 आता है 25,000 रुपीज़ में। बट इनमें मैं आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ, दोनों 27.5 इंच व्हील सेट हैं, लेकिन जो ST100 का व्हील है और जो ST120 का व्हील है, ST120 में डिस्क वाले व्हील्स आते हैं, आपको ट्रैक्टर का फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक मिलता है, प्लस आपको ड्राइव ट्रेन की अगर बात करें तो ड्राइव ट्रेन में आपको 1/9 का ड्राइव ट्रेन मिलेगा रॉक राइडर ST120 में। सो शिफ्टिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है इसकी, थोड़ा सा आप टेक्निकली अगर इसको ऑफ रोडिंग के लिए ले जाना चाहें तो ये सबसे बेस्ट मॉडल है अगर आप 24-25 हज़ार तक की कोई भी बाइक देख रहे हैं तो। मतलब जो ST100 लेने का प्लान कर रहा है उसके लिए ये बेटर रहेगा कि थोड़ा बजट बढ़ाकर ST20 पर जाया जाए। हाँ, अगर उनका ऐसा प्लान है कि सिटी के बाहर भी ऑफ रोडिंग भी अगर उनका करने का मन है तो 120 लेना बेटर रहेगा उनके लिए। मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो 1/9 का गियर रेशो, सेकेंड उसमें आपको ट्रैक्टरों के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। So, अभी तक तो हमने देखो जितनी बजट साइकिल थी अराउंड 25,000 तक वो सारी कवर कर ली है, बट अभी कुछ और भी कॉस्टली साइकिल है जो शायद अभी स्टोर में अवेलेबल भी ना हो, बट हम आपको शॉर्ट में बता देंगे। रॉक राइडर ST120 का डायरेक्ट आती है अपनी 520 जो आप पीछे देख सकते हो, 28,000 रुपीज़ की प्राइस है, दो कलर शेड्स में अवेलेबल है, दिस वन इज नियॉन कलर एंड नीचे आप देखेंगे तो ये वाला है ग्रे कलर, तो दो कलर चॉइसेस में आ जाती है। देन उसी के बाद अगर ST520 के बाद देखें तो डायरेक्ट 540 आती है जो सीधे आपको 40,000 रुपीज़ की आएगी। तो 120 से 520 और 540 तीनों में क्या डिफरेंस है वो आपको एक बार कृष्णा भैया डिटेल में बता देंगे, हालांकि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बट फिर भी क्या बेसिक डिफरेंस आते हैं वो आप एक बार प्लीज़ व्यूअर के साथ शेयर कर देना। बेसिकली जैसे कि मैंने ST120 का आपको बता दें कि बेनिफिट्स क्या हैं, अब अगर कंपेयर करें ST120 को ST520 से, तो ST520 में ड्राइव ट्रेन जो रहता है 3/8 मिलेगा, फ्रंट में 3 गियर्स रहते हैं और रियर में आपको 8 गियर्स मिलेंगे जो कि SRAM के रहते हैं, बट अभी जो नए स्टॉक्स आ रहे हैं उनमें आपको माइक्रोशिफ्ट के भी ड्राइव ट्रेन मिल सकते हैं। सेकंड, इसमें आपको फ्रेम जियोमेट्री में डिफरेंस मिलेगा, ST120 का फ्रेम और ST100 का फ्रेम एक जैसा है, लेकिन ST520 और ST540 का फ्रेम अलग हो जाता है थोड़ा सा। एंड सस्पेंशन, सिमिलर सस्पेंशन मिलेंगे आपको, ट्रैक्टरों के सेम डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जैसा कि 120 में है, एंड बाकी सारी चीज़ें सेम है, सेम एल्यूमिनियम बॉडी आपको फ्रेम मिलेगा। एंड अगर 540 की बात करें तो 540 में डिस्क ब्रेक है, लेकिन आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पहले ये 3/9 गियर रेशो में आता था, लेकिन नया 540 जो ग्लॉसी ब्लू कलर में आपको मिलता है वो 2/9 में आता है। सो जो फ्रंट में उसके दो चैनिंग हैं, क्रैंक सेट दिया हुआ है, वो होलो क्रैंक सेट आता है, तो ये पहले से काफ़ी इंप्रूव किया है। आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी मिलेगा एंड अगर ओवरऑल वेट की बात करें तो ये भी 14-15 केजी के आसपास रहता है, तो आपका अगर टेक्निकल राइड है एंड अब अगर आप बिगिनर हैं या रेसेस के लिए भी आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको 540 एक तरह से सही ऑप्शन है। रिवर साइड में पहले 100 आती थी जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो गई है, 120 अभी हमारे पास स्टोर में नहीं है, अगर आप कहीं से भी हो तो आप एक बार ऑनलाइन चेक कर सकते हो। देन डायरेक्टली आती है रिवर साइड 500, प्राइस आप देख सकते हो 27,000 रुपीज़ है। मेनली रिवर साइड एक हाइब्रिड साइकिल है, 50 से 100 किलोमीटर अगर आपको वीकेंड राइड्स करना है तो आप एफर्टलेस राइड कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू MTB। इसके बारे में भी थोड़ा व्यूअर्स को शॉर्ट में बता देना।
अब अभी जैसे मैंने कवर किया एसटी के जितने भी सेगमेंट्स, एसटी सेगमेंट्स के जो भी साइकिल्स आते हैं उसमें आपको 540 के बाद 560 एंड 560 एस भी आते हैं, जो कि ऑनलाइन या फिर जो मेट्रो सिटीज़ के स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। एंड उसके बाद अगर बात करते हैं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड में आप दो मॉडल्स रह गए हैं, एक आता है जो कि स्टोर पर इजीली अवेलेबल रहता है, एक है रिवर साइड 120 एंड दूसरा जो कि एल्युमिनियम बॉडी में आता है विद टेक्ट्रो डिस्क ब्रेक, वो आता है रिवरसाइड 500। तो रिवरसाइड 500 जैसे कि आप देख सकते हैं अवेलेबल भी हमारे पास स्टॉक में, बट रिवरसाइड 120 अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ उसका जो अभी भी डिमांड है काफ़ी ज़्यादा हाई है, सप्लाई उतना अच्छा नहीं है। एंड इसके बाद अगर बात करें तो फिर आ जाता है रोड बाइक सेगमेंट्स में जो टूरिंग सेगमेंट्स की, एंडोरेंस सेगमेंट्स की जो साइकिल्स आती हैं, ट्राइबन RC 100, ट्राइबन RC 120। 120 तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ट्राइबन RC 100 एंड फ्लैट बार जो होता है और जो ड्रॉप बार है वो दोनों हमारे पास अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। पर्सनली देखा जाए तो मुझे ये साइकिल बहुत अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी प्राइस है अराउंड 26,000 रुपीज़ ड्रॉप बार की, एंड ऊपर अगर आप फ्लैट बार की देखेंगे तो वो है 23,000 रुपीज़। ये किन बायर्स की ले रहने वाली है? ऐसा डिटेल में बताना चाहूँगा, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो 100-200 किलोमीटर, लाइक BRM है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर होता है, 400 एंड 600 होता है, ऐसे आपको अगर BRMs करना है तो उसके लिए आपको बेस्ट रहेगा। हाइब्रिड से भी ज़्यादा लाइट रहता है, इसका वेट कम रहता है एंड चलने में भी काफ़ी लाइट रहता है क्योंकि इनके टायर्स और भी नैरो रहते हैं। सो अगर आप वीक में एक दो बार से ज़्यादा भी अगर आप 50-100 किलोमीटर करना चाहते हैं तो इजीली आप अचीव कर सकते हैं। एंड रोड बाइक सेगमेंट्स कोई भी आप अगर ऐसे यूजर्स हैं, बिगिनर्स हैं, आप इन फ्यूचर रेसिंग करना चाहते हैं या इन फ्यूचर आपका ऐसा है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग ही करनी है, एंडोरेंस साइकिलिंग करनी है, तो ट्राइबन सीरीज 120 है, ट्राइबन RC 120 है या ट्राइबन RC 100 है, ये दो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। सो लास्ट एक XC 100 है क्रॉस कंट्री, जिसे हमने इंक्लूड नहीं करा बिकॉज उसके बायर्स भी बहुत कम है, बट अगर आप बोलोगे तो उस पर एक डिटेल रिव्यू शेयर कर देंगे। उसकी प्राइस है अराउंड 80,000 रुपीज़। सो ओवरऑल आज की वीडियो में हमने आपको सारे साइकिल्स विद स्पेसिफिकेशन एंड पर्पज़ आप शेयर करने की कोशिश करिए। कुछ भी डाउट हो तो भेजिएगा, कमेंट में पूछ लेना। स्पेशल डिकैथलॉन की साइकिल से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो वो भी कमेंट में बता देना। और अगला हम आपको ST 50 पर एक डिटेल रिव्यू लाने वाले हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।